मनुष्य शरीर बड़ा अनमोल, सतगुरु मेरे भेद देखो। मैं तो ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। सार शब्द अंतर बसे पाऊं तेरा भेव, सुरत समाए शब्द में परखूं जे गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई। 19 दिसंबर 2021 को मध्याह्न की वेला में रात के आप सभी प्रेमियों का पूर्णिमा के दिन दर्शन का अवसर मिला। जगहन की पूर्णिमा है, बहुत से लोग नदियों में स्नान करने के लिए गए होंगे, तीर्थ स्थानों पर आज मेला लगा होगा, जहाँ पर कभी संत महात्मा रहे हैं वहीं पर उनके स्थान बन गए। उन्होंने जिन देवी देवताओं को, जिन आराध्य को याद किया, उनका भी स्थान लोगों ने बना लिया। तो ज़्यादातर नदियों के किनारे ही यह स्थान ऋषि मुनि महात्माओं ने बनाया था। लोग जाते थे पहले के समय में, नदियों में स्नान करते थे और उनके आश्रमों पर, जहाँ पर ऋषि मुनि योगी योगेश्वर संत रहते थे, उनके आश्रमों पर जा करके और अच्छी अच्छी बातों को सुनते थे, और जो बातें सुन करके आते थे उनको मानते थे, जैसा वो बताते थे वैसा करते थे। गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, बेटा पत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, यह सब वहाँ सीखते थे। और जब उस तरह से घर में आकर के आचरण करते थे, तब यही गृहस्थ आश्रम देखो प्रेमियों स्वर्ग जैसा था। अब देखो घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में ईर्ष्या द्वेष वैमनस्यता, घर घर में आप देखो कि एक दूसरे के खून के प्यासे तक हो जा रहे हैं। देखो यह है महात्माओं का क्षेत्र है, एक ही महात्मा नहीं, यहाँ कई महात्मा रहे हैं, औपचारिक शक्तियाँ भी इस क्षेत्र में रही हैं। चित्रकूट आपका मशहूर है, यहाँ राम आए थे, रुके थे, रहे थे। आप देखो गोस्वामी जी महाराज का भी स्थान रहा है, गुरु महाराज भी हमारे इसी बुंदेलखंड में आपके समझो झर मुस्करा के आगे। एक बार बताए
कि मैं इधर साधना करता था, आया था। गुरु महाराज के पास 400 साल रहने का मौका मिला। गुरु महाराज के साथ प्रेम में मैं आया था इधर। गुरु महाराज ने बताया कि मैं यहाँ इधर आया था और यहाँ रहता था, साधना करता था। बसोठ में गुरु महाराज के गुरुभाई रहते थे, उन्होंने भी बताया, कहाँ यहाँ से थोड़ी ही दूर है, 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ पर गुरु महाराज भी यानी साधना किए थे। तो आप ऐसे धार्मिक क्षेत्र के हो कि जहाँ पर यानी समझ लो कि संतों का निवास रहा है, संतों का उपदेश होता रहा है, लेकिन उस उपदेश को यानी क्षेत्र के लोगों ने जिन्होंने छोड़ दिया, वो देखो परेशान है। प्रारब्ध के अनुसार, प्रारब्ध किसको कहते हैं, भाग्य। भाग्य के हिसाब से उनको धन दौलत ये सब तो मिला, ऐसा आराम तो मिला, लेकिन शांति नहीं है, खुश नहीं है वो। कोई न कोई तकलीफ, कोई न कोई समस्या, कोई न कोई दिक्कत आती रहती है। तो कारण क्या है? कारण ये है कि उन्होंने जो बताया उसको माने नहीं। उन्होंने जैसा किया वैसा लोग आचरण नहीं किए। देखो, एक ही हुकुम पर पिता के और राम ने राजगद्दी पर ठोकर मार दिया था, जंगल चले गए थे। आप देखो प्रेमियों कि सीता जी अगर चाहती तो जब खोज करने के लिए हनुमान जी सीता के लिए गए थे और अशोक वाटिका में उनको बैठा देखा और प्रकट हो करके जब उन्होंने कहा कि मैं दूत हूँ राम का, और विश्वास उनको हो गया कि राम के दूत हैं, तो अगर चाहती तो उनके साथ चली आती और जो पहाड़ उठा करके हाथ में ला सकता है, सीता को हथेली पर बैठा करके ऐसे और ला करके राम के सामने खड़ा कर देता, लेकिन नहीं आई। एक धर्म एक वर्तने माँ और काय वचन मन पच पच प्रेमा। पति के चरण के अलावा और किसी को यानी देखती ही नहीं थी। बच्चियों, आपको ध्यान देने की जरूरत है, रावण कितना समझाने की कोशिश किया, राम कथा आपके यहाँ होती होगी, सुनती होगी, कितना समझाने की कोशिश किया, जा जा करके अशोक वाटिका में एक बार बिलोक मम हो रहा, एक बार मेरी तरफ तुम देख लो, लेकिन अगर बात भी करती थी तो तिरंधर ओट कहीं बैठे ही यानी तिनका लगा करके बात करती थी कि उसकी आंखों से आंखें न मिल जाए। तो आपको समझने की जरूरत है कि उस आदर्श का पालन जब करोगे तब शांति और सुकून मिलेगा, तब समझो कि तकलीफें दूर होंगी। राम का राज्य में देखो कोई कोड़ी अपाहिज लूला लंगड़ा होता ही नहीं था, सब सुंदर, सब बिरु शरीरा, अल्प मृत्यु ने कोनो पीरा, सब सुंदर थे, बिरु शरीर था। आप देखो अल्प मृत्यु नहीं होती थी, जवानी में लोग मरते नहीं थे, बुढ़ापा जब आती थी समय पूरा होता था तब दुनिया संसार से जाते थे। ऐसी व्यवस्था थी कि पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे रहते और मधु को निकाल लेते लोग, मधुमक्खियाँ हट जाती थी, जैसे गाय दूध दे देती है जब देखते हैं कि दूध निकालने के लिए आ रहे हैं, ऐसे मधु निकालने के लिए मधुमक्खियाँ हट जाती थी। जब चाहते थे तो दूध दूह लेते थे। आप ये समझो, मांगे बारिंदे जल रामचंद्र के राज, किसान खेत में खड़ा होकर के पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। तो जिस तरह से उन्होंने किया उस तरह का अगर करने लग जाएं तो अभी ये प्रकृति जो है ये साथ देने लग जाए, समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात होने लग जाए, फिर ये जो शीत लहर चल रही है या ठंडी हवा चल रही है, इस तरह से तकलीफ देने वाली यह हवा नहीं चलेगी।
आपको समझने की जरूरत है, या हवा भी आदमी के लिए जरूरी है, या पानी भी जरूरी है, सूरज की रोशनी भी जरूरी है, आग जिसको कहते हो, ये सब जरूरी है। लेकिन ज़्यादा कोई चीज़ हो जाती है तो वो नुकसान करती है। बच्चियों देखो, रोटी बनाती हो चूल्हे पर, तो जब उसका आँच कम रखती हो, गर्मी कम रखती हो, तो रोटी पक जाती है, चावल पक जाता है, और वही आग जब तेज हो जाती है, चावल जल जाता है, रोटी जल जाती है। ऐसे ही आप ये समझ लो, सूरज जब तेज तपने लगता है तो गर्मी बढ़ जाती है, जब हवा देखो गर्मी के महीने में तेज चलने लग जाती है तब गर्मी बढ़ जाती है, लू उसको कहते हैं कि लू चलने लग गया। यही ठंडी के महीने में जब हवा तेज चलने लगती है, ठंडी भी बढ़ती है, तब शीतलहर इसको कहते हैं, कहते हैं कि ठंडी बहुत बढ़ गई। पहले के समय में ऐसा नहीं था, सब मौसम अनुकूल था और बहुत खुशहाल लोग रहते थे, यानी समझो कि तपन नहीं होती थी, जलन नहीं होती थी, ज़्यादा ठंडी नहीं होती थी, ज़्यादा वर्षा नहीं होती थी, अतिवृष्टि जिसको कहते हैं नहीं होती थी। पहले के समय में सूखा काल नहीं पड़ता था, सतयुग का तो ऐसा इतिहास बता रहा है कि एक बार लोग बोते थे 27 बार काटते थे, ऐसा था आप समझ लो। लेकिन अब कोई अगर पानी चाहे तो ओला पत्थर कुदरत दे देती है, गर्मी चाहे ठंडी पड़ने लगती है, ठंडी चाहे तो गर्मी बढ़ जाती है। आदमी जैसे इनके नियम के खिलाफ काम कर रहा है, ऐसे यह भी खिलाफ चलने लग गए सजा देने के लिए। पहले सजा ये नहीं देते थे, ये सब दोस्त थे एक तरह से आदमी के, जैसे कहते हैं कि कोई दोस्त होता है और वही दुश्मन बन जाता है, जब दोस्त रहता है तो मदद करता है, दुश्मन बन जाता है तो जानलेवा हो जाता है, उसी तरह से ये हो गया। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था, लोगों की नीयत सही रहती थी। जैसे राम के राज्य में था, उदाहरण देकर मैंने आपको राम का ही बताया कि जननी सम जाने पर नारी और धन पर आए विष्टे विषभारी। दूसरे के धन को जहर की तरह से लोग समझते थे, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझा करते थे। आज उस वक्त पर देखो कब किसकी नीयत खराब हो जाए, और जब से शराब का, नशीली गोलियों का, नशे की जड़ी बूटियों का प्रचलन ज़्यादा बढ़ा, लोग इसका इस्तेमाल करने लगे, तब से तो अपनी माँ बहन बहू को भी पहचान नहीं पाते हैं, आँखों के सामने पर्दा पड़ जाता है, काली माँ आ जाती है, समझो कि अंधा हो जाता है आदमी। तो प्रेमियों, कहने का मतलब यह है कि जब से ये मांसाहार बढ़ा, मांस का सेवन लोग करने लग गए, खून में गर्मी जब से आई, तब से यह पहचान लोगों की खत्म हो गई। तो किसकी भूमि है यह? राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, महावीर की भूमि है, बुद्ध की भूमि है, परशुराम की भूमि है, ये किसकी भूमि है? यह कबीर की भूमि है, गोस्वामी की भूमि है, पलटू नानक की भूमि है, ये यानी सूर्यदास जी महाराज जिनके राधा स्वामी कहा गया उनकी भूमि है, ये हमारे गुरु महाराज का कार्य क्षेत्र है, कितनी बार गुरु महाराज बुंदेलखंड में आए, ये उनकी भूमि है। अब इस भूमि पर आप देखो गलती जब लोगों ने किया तो क्या क्या किस तरह की सजा मिली, इसको आप देखो। रावण कितना विद्वान था, और राम के अंदर उतनी शक्ति नहीं थी कि रावण को मार पाते। जो कला उन्होंने परशुराम जी से प्रार्थना करके मांग करके अनिल लिया था और फिर रावण को मार पाए थे, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का जानकार था, कहता था स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा, सीढ़ी पर चढ़ करके लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे, इतनी उसके अंदर
जानकारी थी, ज्ञान था, विद्या थी, बड़े बड़े देवता ठहरते नहीं थे, हर जाते थे। वरुण कुबेर, गोस्वामी जी महाराज ने सब लिख रखा है, कुछ नहीं छोड़ा। यह सब उन्होंने उदाहरण देकर समझाया। लिखा तो उन्होंने जो घट में राम का चरित हो रहा है, रामचरित मानस, मानस के अंदर जो राम का चरित हो रहा है उसको उन्होंने लिखा, लेकिन उदाहरण देकर इसलिए समझाया कि समझ में लोगों के आ जाए। सीधी सीधी बात अगर आपको बताई जाए तो समझ नहीं पाओगे, उदाहरण देकर जब समझाया जा रहा है तब आप समझ जाओगे। तो समझो कि लिखा तो उन्होंने उत्तरकांड में सब अध्यात्म के बारे में ही, लेकिन इधर से उन्होंने बालकांड से शुरू किया है और सारे कांड अलग अलग उन्होंने लिख रखे हैं, सब में अलग अलग चीज़ें आई हैं। तो इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आप लोग रामचरितमानस पढ़ते होंगे, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था और गोस्वामी जी महाराज का ये कार्य क्षेत्र रहा है, राम का भी यहाँ पर बड़ा महत्व है, इसलिए आपको समझा रहा हूँ प्रेमियों। तो आप ये समझो कि उन्होंने ये बताया, कहा कि देखो वरुण कुमेर सुरेश समीरा अवरुण सम्मुख धर काहू न धीरा, बड़े बड़े देवता उसके सामने ठहरते नहीं थे, किसके, रावण के, हट जाते थे, इतना वीर था। जब देखा कि लड़ाई के लिए निकला रावण तो उसका जो भाई था विभीषण वही दुखी हो गया। रावण रथी व्रत रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, कि कैसे ये बंदर और भालू इनके सामने ठहर पाएंगे, टिक पाएंगे। ये राक्षस तो जब भैंसा उठा करके मुंह में डाल करके और निकल जाते हैं तो ये बंदर और भालू कैसे ठहर पाएंगे। लेकिन तीन बुराई उसके अंदर जो थी वही उसकी शक्ति को खत्म कर देती थी। कौन सी बुराई थी? मांस खाता था, शराब पीता था, और जब बुद्धि खराब होती थी तो दूसरे की माँ बहन की पहचान आँखों से खत्म कर लेता था। तो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखो उसका क्या हश्र हुआ, उसका क्या हाल हुआ। 1 लाख पुत, 1.25 लाख नाती और 4 रावण घर दिया न बाती, एक भी नहीं बचा। तो आप कैसे सोच सकते हो कि ये दुनिया रहेगी, लोग रहेंगे और कैसे अनी यहाँ राम राज्य आएगा, कैसे राम राज्य रहेगा, कैसे ये मशहूर जगह हो पाएगी, कैसे आप सोच सकते हो। देखो एक अबला की लाज यानी समझो जब जाने लगी थी किसकी, द्वापर में द्रौपदी की, तब क्या हुआ था? महाभारत, महाभारत का वही कारण बना। आपको समझने की जरूरत है कि 11 अक्षौणी सेना, 56 करोड़ यदुवंशी इसी वजह से खत्म हुए थे। किसकी वजह से? कि नीयत खराब हो गई थी, आँख का पानी मर गया था, दूसरे के लोभ लालच में धन के जो धन पर आए बिस्ते बिस्वारी, दूसरे का हिस्सा, दूसरे का धन विष की तरह से होता है, लेकिन उसको पाने की जब इच्छा जगी और उधर से हटी नहीं तब विनाश हुआ। महापुरुष आते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, अगर लोग मान जाते हैं तब तो दया बरसा देते हैं, और अगर नहीं मानते हैं तो समझो कि काल का रूप धारण कर लेते हैं। देखो भगवान राम को ही देख लीजिए, कई रूपों में रहे। आप समझो जब उनको युद्ध करने को हुआ, धनुष बाण उठा करके रौद्र रूप धारण कर लिया, दया भाव उनके अंदर पहले देखो कितने रहे, दोहराने का समय नहीं है, आप लोग कथा सुनते रहते हो। ऐसे कृष्ण ने समझाया, खूब समझाया, कहा मान जाओ, मान जाओ, दे दो, इनका भी हक होता है, इनको दे दो कुछ हिस्सा, इनका भी होता है। लेकिन कौरवों ने कहा सुई के नख के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। तब बोले कि अब तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि विपरीत हो गई, अब तो विनाश
होना ही होना है, लेकिन तो भी दया भाव उन्होंने खत्म नहीं किया। आप समझो जो काम करने के लिए आते हैं, कौन आते हैं, जैसे भगवान राम जिनको कहा गया, भगवान कृष्ण जिनको कहा गया, उनको समझ लो भगवान बुद्ध कहा गया, भगवान परशुराम कहा, भगवान जो कहे गए, ये आते हैं काम करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए और दुराचारियों के संहार के लिए। तो इनके अंदर दोनों धार होती है, दया धार और काल धार। देखो खुद कहा राम ने कि काल रूप तिन कर्म भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। मैं तो जो काल का काम है वो भी करता हूँ और दया भाव भी है मेरे अंदर, जो दया के घाट पर बैठता है उसको दया देता हूँ, जो काल के स्थान पर रहता है उसको उसको सजा भी देता हूँ। कृष्ण के अंदर दया भाव आखिर तक रहा। आप समझो कि महाभारत शुरू होने को जब हुआ तो उर्वी कर्नाटक में एक राज्य है, अब भी है, उर्वी के जो राजा थे वो किसी के धर्म नहीं गए थे, और नहीं तो इन लोगों ने अपनी अपनी टीम बनाई थी, अपना दल बनाया था। तो कुछ राजा पांडवों की तरफ गए, ज़्यादातर राजा कौरवों की तरफ लड़ाई लड़ने के लिए गए, वो किसी के तरफ नहीं गए। तो जब महाभारत शुरू होने को हुआ तो कृष्ण के पास गए उर्वी के राजा, और उन्होंने कहा कि महाभारत होगा, अब उसको कोई टाल नहीं सकता है। मैंने भी समझाया और आपने भी समझाया, माने नहीं है, लेकिन ये बताओ कि महाभारत तो आप करा दोगे, दुराचारियों का संहार हो जाएगा, सज्जनों की रक्षा हो जाएगी, लेकिन ये भूखे मरेंगे, खाएंगे कहाँ? 18 दिन तक आपका महाभारत चलेगा, यह भी मुझे मालूम है। साधना करते थे, जो साधना करता है उसको ये चीज़ें मालूम हो जाती हैं भविष्य की। जो साध लेता है उसी को साध भी कहते हैं, उसी को बहुत से लोग साधु कहने लग गए। कई तरह का साधना होता है, जो शरीर को साध लेता है, कपड़ा उतार करके फेंक देता है, जो घर छोड़ देता है, जो ग्रह त्याग करके और समझ लो कि खुद पका खा करके और पढ़ाई करता है, वो समझ लो कि वो भी एक साधना ही है। तो शरीर को साधना, मन को साधना, यानी समझ लो ये सब साधना है। अब जो जैसी साधना करता है उसको वो चीज़ मिलती है। तो साधना करते थे तो कहा 18 दिन तक तो महाभारत चलेगा, लेकिन ये खाएंगे कहाँ? ये दोनों तरह की फौज को खिलाएगा कौन? तो ये तो भूखे मर जाएंगे। तो भूखे मरना यानी ये तो एक बड़ा अपराध है। भूखे को रोटी खिलाना ये तो पूरी का काम है, भूखे मार देना ये तो पाप का काम है। तो एक पाप ये भी करोगे आप, तो ये खाएंगे कहाँ, इसके बारे में क्या सोचा? तब कृष्ण ने कहा आप प्रश्न कर रहे हो तो आप कुछ सोचे भी होंगे। बोले आप अगर हुक्म करो तो मैं दोनों को खिला दूंगा, मैं भंडारा चलाऊंगा। तो बोले अब इससे अच्छा और क्या होगा, आपसे अच्छा कौन मिलेगा, आप ही श्रेय ले लो इनको खिलाने का, भूखे न मरे ये, नहीं तो इसके बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था, बहुत अच्छा रहा आपको यह अक्ल आई। तो उन्होंने भंडारा चलाया था। अब शिफत थी उस भंडारे की कि बचता नहीं था और कोई भूखा भी नहीं रहता था। तब जब महाभारत खत्म हो गया तब उर्वी के राजा से पूछा लोगों ने कि आपको अंदाजा कैसे लगता था कि इतने मर जाएंगे इतने रहेंगे? तब उन्होंने कहा कृष्ण मूंगफली खाते थे, तो जब वो सोने के लिए जाते थे तो उनके सिरहाने में गिन करके मूंगफली रख देता था,
और एक मूंगफली खाए समझो 50,000 जाएंगे। तो इस तरह से मैं अंदाजा लगा लेता था। तो ये तो उन्होंने उनकी विशेषता बताई, सिफत बताई। मनुष्य शरीर में ही रहते हैं, महापुरुष जो भी आते हैं मनुष्य शरीर में रहते हैं, लेकिन जो ताकतें होती हैं, शक्तियां होती हैं, उनको ऊपर से मिलती हैं। और जब जैसा समय रहता है उसी हिसाब से महापुरुष आते हैं। देखो तो भगवान राम 12 कला लेकर आए थे और भगवान कृष्ण को 16 कला लेकर आना पड़ा। और संत जब आए, त्रेता द्वापर खत्म हुआ, तो वो बराबर अब ज़्यादा कलाओं को लेकर आते रहे, तभी तो काम कर पाएंगे। जैसे फौज होती है, कितने फौज में आदमी हैं, हथियार होते हैं, किस तरह के हथियार हैं, वही तो कामयाब होता है। ऐसे ही ताकत इनको मिलती है, तो ताकत इनको मिलती है उसी हिसाब से ये काम करते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों, ताकत से अपनी वो करते थे अर्जुन को कि महाभारत में ये होगा, तो वो तो धनुष उठा ही नहीं रहे थे। कृष्ण ने कहा चलो महाभारत शुरू होने वाला है, उठाओ गांडीव। बोले काका चाचा नाना मामा सब कुल खानदान के ही तो सब ये लोग खड़े हैं, इनको मार करके मैं नरक नहीं जाना चाहता हूँ। अरे कृष्ण बोले तुमने अभी हमको पहचाना नहीं, अभी पहचान कराता हूँ। बैठाया और कहा बंद करो आँख, और दोनों आँखों को एक जगह पर टिकाओ और ध्यान लगाओ। ध्यान लगाए, बोले कुछ दिखाई पड़ा? बोले कुछ नहीं दिखाई पड़ा। बोले अब पड़ेगा। फिर उन्होंने अपनी ताकत से ठोका, कहाँ ठोका, वहीं जहाँ कर्म जमा होते हैं। ये आत्मा इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई, वहीं पर चतुर्संता कर्ण है, वहीं जहाँ पर अच्छे और बुरे कर्म होते हैं वो जमा होते हैं। बलवान आदमी अपने शरीर को बना लेता है, बुद्धिमान ताकतवर सीख करके बना लेता है, और पढ़ करके विद्या का ज्ञान कर लेता है, समझ लो ये तो उसके ऊपर निर्भर रहता है। लेकिन ये जो कर्म है इसको अगर नहीं सीख पाता है तो मनुष्य शरीर धारण करने की वजह से कुछ जान में कुछ अनजान में कर्म सबके आ जाते हैं। तो उनके भी कर्म थे, तो उनकी आँख अंदर की नहीं खुली। इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जो तीसरी आँख है, जिसको आत्मचक्षु शुनेत्र कहा जाता है, अनिसमझो कि वो बंद था, ठोका कर्म हटे, तब देखा कि अरे ये तो सब मरे पड़े हुए हैं। देखा उन्होंने कि चक्र सुदर्शन ने तो सब को काट दिया पहले ही, मुझे तो खाली गांडीव उठा करके आंख बंद करके तीर को छोड़ना ही है। उठा लिया गांडीव और आंख बंद करके तीर छोड़ते ही चले गए। आपको मैं प्रमाण देकर बताऊं, सिद्ध ये कब हुआ कि जब बब्रिक इसका प्रमाण दिया, महाभारत खत्म हो गया। महाभारत जब खत्म हो गया तब उस समय पर आप समझो कि ये सब पहुँचने लग गए, खुशी मनाने लग गए, तब अपनी अपनी तारीफ करने लग गए। भीम ने कहा मैंने मारा, नकुल ने कहा मैंने मारा, सहदेव ने कहा मैंने मारा, कृष्ण ने कहा मारा किसने, तो पूरा महाभारत देखा है वो बताएगा। कौन देखा था? बब्रीक। बब्रीक का सिर काट करके वहाँ रख दिया था, वरदान मांगा था उसने कि मैं पूरा महाभारत देख लूं तब मेरे प्राण निकलें। बहुत वीर था, आपको बता दूं, शायद न सुने हो बहुत से लोग। जब महाभारत शुरू होने को हुआ, खड़ा हुआ था पीपल के पेड़ के नीचे बब्रीक। कृष्ण भगवान जायजा ले रहे थे कौन कौन वीर आए हैं। देखा तो कहा तू कौन है, यहाँ क्यों खड़ा है? लड़ाई लड़ने के लिए हथियार तो तेरे कुछ है नहीं, लड़ेगा कैसे? तीन तीर था उसके पास, कहा इसी से लड़ूंगा। बोले इतना बड़ा महाभारत,
तो केवल तीन तीर से लड़ेगा। बोला एक एक तीर कमाल दिखाएंगे। क्या कमाल दिखाएंगे? निकाला एक तीर और कहा देखो इसको मैं छोड़ने जा रहा हूँ, पीपल के पेड़ के ऊपर जितने भी पत्ते हैं सबको नट्ठी करेगा और नट्ठी करके जमीन पर आएगा, जमीन पर जितने भी सूखे केले पत्ते पड़े हुए हैं उनको नट्ठी करेगा और नट्ठी करके फिर हमारे पास आ जाएगा। तो कृष्ण ने एक पत्ते को अपने मुट्ठी में ले लिया और दूसरे को पैर के नीचे दबा दिया। सोचे देखे मेरे पास कैसे आता है। छोड़ा उसने सारे पत्तों को नीचे ऊपर के बींध करके और कृष्ण के पैर की तरफ आगे बढ़ा। तब बोला पैर हटाओ नहीं तो पैर भी नट्ठी हो जाएगा। पैर हटाया, उस पत्ते को भी नट्ठी किया, फिर इनके हाथ की तरफ बढ़ा कृष्ण के। तब फिर वो चिल्लाया मुट्ठी खोल दो नहीं हाथ चला जाएगा। मुट्ठी खोला, उस पत्ते को भी नट्ठी करके और उसके पास तरकश में आ गया। कृष्ण ने कहा बड़ा वीर है भाई, बड़ी कला इसको आती है और हथियार भी इसके चोखे हैं, तो महाभारत का तो महाभारत हो जाएगा, 18 दिन में तो नहीं खत्म हो पाएगा। पूछा उससे कि तू लड़ेगा किसके तरफ से? बोला जो हारेगा उसी की तरफ से लड़ूंगा। कृष्ण ने कहा फिर तो हम और ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे। तब उससे कहा ये बता कि तू तेरे अंदर और कोई विशेषता है, खासियत है? बोला मैं दानी हूँ। क्या चीज दान करते हो? मेरे पास जो चीज रहती है कोई मांगता है दे देता हूँ, मुझे भी देगा दे दूंगा। तो कहा तू अपना सिर मुझे दान में दे दे। बोला ठीक है, कह दिया है तो आने समय लोग के देना ही देना है। कहा ना रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय वर बचन जाई। पहले के समय में जो जवान दे देते थे पूरा करते थे। राजा दशरथ ने जवान का ही तो अनिल समझो पालन किया और अपने हृदय के टुकड़े को राम को अपने राजगद्दी देने वाली जगह से उतार करके और जंगल भिजवा दिया था। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि उसने कहा ठीक है सिर तो काट लो हमारा, लेकिन मैं महाभारत देख लूं तब मेरे प्राण निकले। बड़ी बड़ी कला आती थी लोगों को, यानी समझो कि सिर भी उसका जिंदा रहा। आप समझो सिर काट देते थे और ऐसे जोड़ देते थे और फिर खड़ा हो जाता था आदमी, यह सब विद्या थी। आप देखो हनुमान जी उड़ करके गए और जब पहाड़ उठा करके लाने को हुआ तो भारी भरकम शरीर बनाए और फिर पहाड़ उठाए और फिर उड़ने को हुआ तो फिर छोटे हो गए और मां शक्ति को जागृत किया और फिर आप समझो कि उड़ करके आए और फिर गरिमा शक्ति को लाए कि पहाड़ जैसा वो पहाड़ हो गया और हनुमान का शरीर जैसा था वैसे हो गए। ये सब शक्तियाँ हैं। अरुमा गरुमा महिमा लघुमा ये सब कहीं गई नहीं है, ये सब आपके अंदर हैं। लेकिन ये कला ये चीज आप प्रेमियों भूल चुके हो। अगर वही जागृत हो जाए तो फिर तो आपको पापी पेट के लिए गुनाह करने की गलती करने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए
व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।